नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों के एरियर और डीए से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो हिमाचल सरकार ने नया पैंतरा बनाया है, तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष, जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो सामने आएगा 75,000 करोड़ कर्ज का सच, एरियर डीए के लंबित भुगतान के बीच सीएम का नया दाम। कांग्रेस सरकार के पहले बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का ऐलान किया था। मार्च में सीएम ने कहा था कि उनकी सरकार वित्तीय हालत पर व्हाइट पेपर लाएगी। फिर विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी नियम 130 के तहत चर्चा के जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा था कि कांग्रेस सरकार श्वेत पत्र लाकर सच्चाई जनता के समक्ष रखेगी। अब पिछले कल कैबिनेट बैठक में सरकार ने हिमाचल की आर्थिक हालत को लेकर व्हाइट पेपर लाने का फैसला किया। इसके लिए बाकायदा कमेटी का गठन किया गया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। वहीं हिमाचल पर इस समय 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। हालत यह है कि सीएम का पद संभालने के बाद सुखविंदर सिंह ने यहां तक बयान दे दिया था कि हिमाचल श्रीलंका बनने की राह पर है। कर्ज को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे की सरकार को जिम्मेदार बताते रहे हैं। इस समय हालत यह है कि कांग्रेस सरकार को नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद एरियर की देनदारी चुकानी है। बता दें कि यह राशि कम से कम 9,000 करोड़ रुपए बनती है। इसके अलावा डीए की बकाया किस्तों व एरियर को चुकाने के लिए भी करोड़ों रुपए चाहिए। आलम यह है कि बजट का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन पर खर्च हो जाता है। खजाने को राहत देने के लिए सरकार ने वोटर सेस लगाने का फैसला लिया, लेकिन उसके रास्ते में भी अड़चन आ रही है। प्रदेश में सरकारी कर्मियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन पर खर्च निरंतर बढ़ रहा है। वर्ष 2017-18 में वेतन व मजदूरी पर 10,765.83 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस दौरान पेंशन पर 4,708.85 करोड़ रुपए व ब्याज के भुगतान पर सरकार ने 3,788 करोड़ रुपए खर्च किए। फिर 2018-19 में यह खर्च और बढ़ा। वेतन पर 11,210.42 करोड़ रुपए खर्च हुए। पेंशन पर 4,974.77 करोड़ व ब्याज भुगतान पर 4,021.52 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2020-21 में वेतन पर खर्च बढ़कर 12,192.52 करोड़ रुपए, पेंशन पर 6,398.91 व ब्याज भुगतान पर 4,640.79 करोड़ खर्च हुआ। तो यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।